वगैरह, तो फटाफट जो है वो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एनजी के अंदर चल रहा है दोस्तों अभी 215 के ऊपर, अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है 216 के ऊपर। 216 के ऊपर जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट से बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 216 के ऊपर ये जा सकता है लगभग लगभग 218.50, 222-23, और 23 के ऊपर निकलता है तो लगभग लगभग 230, 235, 235 ऊपर काट देता है तो बड़ा उसका टारगेट जो है वो 250, 275, 300 ये जा सकता है। नीचे में उसका मेजर ट्रेंड अगर आज के दिन के लिए थोड़ा चर्चा करें तो 210 के नीचे कुछ खराब हो सकता है टेम्पररी बेसिस के ऊपर, और वो लगभग लगभग नीचे में हमें दिखा सकता है 203-4 के आसपास, वो फिर एक मेजर सपोर्ट है 4 का, तो वहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं। एक रेंज में फंसा हुआ है एनजी, जब ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब कोई बड़ी मूवमेंट आ सकती है, बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी मूवमेंट आ सकती है, वो भी आप ध्यान रखना, बड़ी नहीं बहुत ही बड़ी मूवमेंट आएगी आएगी। तो जैसे कि क्रूड के अंदर भी हमने चर्चा करी थी 6200-300 के लेवल के ऊपर, यहाँ से शॉर्ट नहीं लग रहा, तो क्रूड में ब्रेकआउट दिया और कैसी बड़ी मूवमेंट आई वो आपने देख लिया, 15 दिन पहले ही हमने लाइव में चर्चा करी थी। तो अभी क्रूड चल रहा है 6850 के आसपास, क्रूड के बारे में भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर 600 के ऊपर है, 6790, 6800, ये कुछ 10-1 पॉइंट का आप नीचे बफर जोन मान सकते हो, ये लेवल के ऊपर है तब तक जो है वो क्रूड का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव मान सकते हैं। ऊपर में इसके जाने की उम्मीद है दोस्तों लगभग लगभग 6810, 6990, 7000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसका पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर पार करता है तो स्टॉप लॉस लेने के लिए एक आध बार 7050 के आसपास जाए तो कोई नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये किसी भी कारण से दोस्तों, एक चीज़ क्रूड में ये बता रहा हूँ जो भी दोस्त ट्रेड कर रहे हैं, ये 7000 के लेवल के ऊपर लगातार रुकने लगा, 7000-7050 ये रेंज के ऊपर, तो बहुत ही भयंकर मूवमेंट हो सकती है क्रूड के अंदर, जो कि फिर लगभग लगभग 7200, 7400, 7700 के आसपास भी जा सकते हैं। तो आप शॉर्ट कर रहे हो तो अपने हिसाब से जरूर स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है, आप वैसे तो बात मानोगे नहीं मेरी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा देना। और दूसरी बात है कि आप जो है वो एक बार सीख जरूर लेना, समझ जरूर लेना, ठीक है। चार्ट को मेरी आंखों से देखिए, आपने मुझे बहुत बार क्रूड के बारे में सवाल पूछा था, 6300 के ऊपर ही बताया था कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं बनता है, बड़ी तेजी बन सकते हैं, वहां से लगभग लगभग दोस्तों 500 पॉइंट ऊपर आ गए, 50,000 का लॉस बचाया, क्या कम है? अगर नहीं तो यही चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी जो है वो लाइव में मैंने शेयर किया है, वहां पर आप देख सकते हो। तो एनजी क्रूड हो गया दोस्तों, अब कॉपर के बारे में बता देता हूँ, नॉर्मल जो आपके सवाल है, लाइक का बटन भी दोस्तों जरूर दबाते जाना। अभी चल रहा है 737 के आसपास कॉपर, नीचे में 732-733 का अच्छा सपोर्ट है, वो लेवल नीचे की तरफ काटे तो 728 के आसपास जा सकते हैं, 725 के आसपास जा सकते हैं, और नीचे में 718 के नीचे बड़ा ट्रेंड जो है वो ख़राब हो सकता है, अच्छी तेजी बन सकती है 742 के ऊपर, तो 742 के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए, 739, 742 ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इसके ऊपर रुकने के बाद अच्छी तेजी बन सकती है, जो कि लगभग लगभग ये जा सकता है 745, 750, 758, 760, 800 के आसपास भी जाने की उम्मीद है कॉपर के लिए, तो वहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। एल्यूमिनियम के बारे में फटाफट बता देता हूँ दोस्तों, 201.30 के आसपास चल रहा है, मेजर उसका अच्छा सपोर्ट है 199.50 के आसपास, वो लेवल अगर काट के नीचे क्लोजिंग करता है, रुकता है तो एक अच्छी थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है 197.50, उसके नीचे चले तो 195-194 ये कुछ लेवल आ सकते हैं। नया तेजी का बड़ा ट्रेंड शुरू होगा 205 के ऊपर, 205 के नीचे खराब है, 205 के ऊपर चलता है 207.50, 210, 212-213 ये लेवल कुछ दिखा सकता है, तो मेजर जो लेवल बताए उसके ऊपर आप जो है वो ज़रूर ध्यान रख सकते हो, फोकस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिंक के ऊपर, तो जिंक के अंदर भी हमने बात करी थी कि एक रेंज में दायरे में फंसा है 228-30 से नीचे में 220, तो ये एक रेंज है उसकी, ये रेंज का जब ब्रेकआउट या ब्रेकआउट डाउन या ब्रेकआउट होगा तभी कुछ नया ट्रेंड बन सकता है, 230 ऊपर में नीचे में 220 है, ये लेवल के ऊपर नीचे जाने के बाद ही कोई जो है वो
हमें देखने को कुछ मिल सकता है, ठीक है, बड़ी तेजी या मंदी। बाकी तो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज को कैसे प्ले करना है वो आप जानना चाहो तो मैंने माइंड ट्रेड ट्रिक दे दिया है, क्योंकि एक दो पॉइंट, तीन पॉइंट का जो है वो खेल बताने का कोई मतलब नहीं है, मतलब उतना जो है वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेजर ट्रेंड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे एक दो तीन चार पॉइंट के अगर ट्रेंड आप देखना चाहो तो माइंड ट्रेड ट्रिक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रखा है, मैंने लाइव में भी शेयर कर दिया, वो आप देख सकते हो।